दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल MBPSC बाय राम में। आज जो है RRB ग्रुप डी के रिजल्ट का दिनांक एवं परिणाम मार्कशीट के बारे में आपको बात करेंगे। यह दोस्तों ये कोई यहाँ पे ऑफिशियल साइट पे आप देख सकते हो दोस्तों, कट ऑफ बताया गया है कि कट ऑफ कैसे आप चेक कर सकते हो और कट ऑफ के बाद अपना रिजल्ट कब घोषित होगा, ये सभी बातें आपको बताऊंगा। एक ऑफिशियल कट ऑफ इन्होंने भी घोषित किया है, अपनी इंडिया की टॉप 10 साइट है जिस पे मैंने आज ही अभी देखा है। इसमें दोस्तों इन्होंने रिजल्ट की डेट को प्रणामित रूप से बताया गया है कि RRB ग्रुप डी का परिणाम कब तक घोषित होगा और कौन सी डेट इसके लिए फिक्स रहेगी। और ये डेट आपको पता चल जाती है तो आप बिल्कुल फ्री हो जाएंगे कि मेरा डेट जो है रिजल्ट इस परिणाम को आएगा। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इनका क्या कहना है डेट के उम्मीदवार को। देखिए दोस्तों RRB ग्रुप डी का परिणाम दिनांक यहाँ पर कहा गया है। तो देखिए दोस्तों परीक्षा से पहले हो चुकी है, इनका कहना है कि परीक्षा पहले से ही पूरी हो चुकी है। यह सवाल है कि परिणाम की तारीख क्या होगी, सभी उम्मीदवार लगातार खोज में है। मतलब इनका कहना है कि जो सभी उम्मीदवार ने लगातार खोज कर रहे हैं कि रिजल्ट कब आएगा, बहुत से लोगों को उम्मीद है कि जल्दी आ जाएगा और बहुत से लोग इस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं। तो अपनी सामान्य जानकारी के लिए मैं आपको सूचित करना चाहता हूँ कि परीक्षा पूरी करने के बाद परीक्षा कम से कम 3 महीने का वक्त लग सकता है। तो यहाँ कहना दोस्तों बिल्कुल सही है। आप बिल्कुल जो लोग यूट्यूब पे डाल के वीडियो बताते हैं कि दोस्तों ये तारीख को या आ गया रिजल्ट, ये सभी फेक वीडियो हैं, कोई आपको कंफर्म रूप से नहीं बता रहा है। क्यों मनगढ़ंत कोई पहले से नहीं बता सकता जब उनका घोषित किया जाएगा, क्योंकि अभी जो है दोस्तों RPF की, SI और कांस्टेबल की वैकेंसी, इसका एग्जाम डेट, एडमिट कार्ड आ चुके हैं तो इसकी भी एग्जाम होने वाली है। तो कहीं ना कहीं रेलवे पर जो है लोड पड़ रहा है अभी, और इसका इतना सारा रिजल्ट उनको घोषित करना, तो मतलब कहीं ना कहीं एक लंबा वक्त लग सकता है। आगे दोस्तों को इनने क्या कहा है, आगे देखो, मैं सूचित करना चाहता हूँ कि परीक्षा पूरे परिणाम में 3 महीने लगेंगे। तो इनका ये कहना है कि दोस्तों नवंबर, दिसंबर और जनवरी तक इसका जो रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा रेलवे के माध्यम से। कभी कभी बहुत से आवेदकों की वजह से अधिक समय लगता है, कभी कभी कहते हैं कि बहुत से आवेदक रहते हैं मतलब जिनको अपडेट कराना पड़ता है, बहुत सी परेशानी उसमें आ जाती है तो उनके लिए बहुत टाइम लगता है। फिर आगे देखते हैं इस साल स्थिति है, क्योंकि 1.4 करोड़ ज़्यादा उम्मीदवार हैं, मतलब उम्मीदवार यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों 1.5 करोड़ उम्मीदवार हैं जिन्होंने परीक्षा दी है। क्योंकि यहाँ पर जो इस बार परीक्षा दी दोस्तों, आपको भी पता है कि 62 पॉइंट कितना था दोस्तों, ये आपको पता है कि कितनी वैकेंसी आई होती, कितने लोगों ने इसमें हमारा फॉर्म भरा और एग्जाम दिए। तो स्पष्ट है कि परिणाम को तय करने में, मतलब उसका निर्माण करने में या बनाने में क्या होगा, परिणाम को स्पष्ट करने में क्या टाइम लग सकता है दोस्तों। तो यहाँ मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि एक निश्चित एक अधिकतर टाइम इसके लिए लग जाएगा 3 महीने। तो आप ये मान के चल सकते हो दोस्तों कि जनवरी में जो है इसका पूर्णता प्रणामित रिजल्ट आ जाएगा और उसके बाद जो है आपको पूर्ण रूप से अच्छे से आप फिजिकल की तैयारी कर सकते हो दोस्तों। और यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, यहाँ उन्होंने बताया था कि कितनी क्या वैकेंसी आई हो पूरी, तो उसमें आपको बता देता हूँ दोस्तों। अभी जो अधिकारी बोर्ड क्या है, कहाँ से, रेलवे नियुक्ति संस्था से ये अपनी वैकेंसी निकली थी दोस्तों। कुछ लोग को सैलरी की कंफर्म करना था, फिजिकल डेट कैसी क्या रहेगी, क्या फिजिकल रहेगा, ये सभी बातें मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। यहाँ स्थान भर्ती पूरे भारत में ये आयोजित की गई थी, जितने भी जोन है भारत में। अभी तक की अंतिम तिथि आपको दोस्तों पता ही, अभी तक मतलब एग्जाम के फॉर्म भरने की इतनी तिथि थी, शुरू हो चुकी थी एग्जाम, कब से शुरू हो चुके थे 10/2 से। अभी तक की अंतिम तिथि 31 यहाँ पर अंतिम तिथि दोस्तों। इसके बाद देखते हैं दोस्तों वेतन की पोस्ट कितनी रहेगी, तो 18,000 रुपये इन्होंने कितना बताया, 1,800-18,000 रुपये इसकी पोस्टों की वेत बताई है। आगे बात की कि परीक्षा का प्रकार क्या था, तो लक्ष्य रखा गया था परीक्षा का प्रकार, कुल पद कितने आए हुए थे, संख्या कितनी थी, तो 62,907। आपको भी पता होगा दोस्तों परीक्षा की अंतिम तिथि क्या बढ़ाई गई थी, यहाँ पर 17 दिसंबर 2018 तक आगे बढ़ाई गई थी। आगे देखते हैं दोस्तों समय कट ऑफ, ये दोस्तों इन्होंने कट ऑफ भी बताया, यदि आप चेक करना चाहते हैं तो इस ऑफिशियल साइट का मैं आपको दे दूंगा। और इसमें आपको अपनी कट ऑफ जो है आपको जोन वाइज कट ऑफ मिल जाएगा, इलाहाबाद का मिल जाएगा दोस्तों आपके लिए, इलाहाबाद के बाद दोस्तों आपको अहमदाबाद का मिल जाएगा, अजमेर का मिल जाएगा, भोपाल, भुवनेश्वर, बेंगलोर, बिलासपुर। आपको इस साइट के माध्यम से जितने भी आपके जोन है प्रमुख, देखो बेंगलोर के बाद बिलासपुर, चेन्नई, चंडीगढ़, गोरखपुर, गुवाहाटी, कोलकाता, आपको यहाँ पे एक एक्सेप्टेड कट ऑफ इनके माध्यम से मिल जाएगा। फिर दोस्तों कोलकाता के बाद मुंबई, पटना, रांची और सिकंदराबाद के बाद आगे देखते हैं दोस्तों, ये पूरे जो अपने मेन जोन है इनका सबका कट ऑफ जो है इनके माध्यम से इस साइट को मिल जाएगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों आपके पास लगभग अभी 3 महीने का टाइम या 2 महीने का टाइम आप मान सकते हैं दोस्तों, तो आप कट ऑफ देख लीजिए दोस्तों। और कट ऑफ के माध्यम से यदि आपके नंबर इसके आसपास आते हैं तो दोस्तों बिल्कुल आप अपनी रेलवे फिजिकल की तैयारी अच्छे से कर दीजिए, जिससे आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचेगा, मुश्किल से 1 महीना रहेगा जिसमें आप जो है फिजिकल की तैयारी करोगे। तो मेरा आपसे यही कहना है दोस्तों, ज़्यादातर रिजल्ट के लिए मत वेट कीजिए, यदि आपको कट ऑफ के अंतर्गत नंबर आ रहे हैं तो बिल्कुल आप फिजिकल की तैयारी कीजिए, क्योंकि इसका फिजिकल इस बार जो है थोड़ा दोस्तों हार्ड होने वाला है। आपको भी पता है कि फिजिकल किस प्रकार से होता है, और वैकेंसी इस बार ज़्यादा कैंडिडेट बुलाएंगे तो फिजिकल ज़्यादा हार्ड होगा, तो इस हिसाब से अपनी फिजिकल को अभी से तैयारी कर दीजिए, जनवरी या फरवरी मार्च में आपका जो है फिजिकल होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी से जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।